हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई होप आप सभी अच्छे होंगे जैसे कि टेंथ क्लास के स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम्स जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं लेकिन वो अब कंफ्यूज्ड होंगे कि अब प्लस वन में कौन सी स्ट्रीम चूज़ करें तो स्टूडेंट्स जो भी स्ट्रीम आप चूज़ करोगे वो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चूज़ करना बिकॉज अगर आपकी एम्स एम फिक्स्ड है तभी आप राइट right स्ट्रीम जो है वो चूज़ कर पाएंगे मेनली स्कूल्स जो हैं वो थ्री स्ट्रीम्स ऑफर करते हैं आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस तो सबसे पहले साइंस के बारे में जान लेते हैं साइंस में मेडिकल एंड नॉन मेडिकल आते हैं तो नॉन मेडिकल के लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके बारे में अब बात करेंगे सो नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ में इंजीनियरिंग डिफेंस एन डी ए कमर्शियल पायलट मर्चेंट नेवी लॉ एक्सेट्रा ऑप्शंस हैं तो डिफेंस एनडीए डी ए के लिए एज जो है वो ओवर सिक्सटीन ईयर्स एंड लेस देन नाइन्टीन ईयर्स होनी चाहिए कमर्शियल पायलट के लिए आपको प्लस टू फिज़िक्स एंड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट जो हैं वो कंपल्सरी रहेंगे मर्चेंट नेवी के लिए आप एज अ इंजीनियर भी ज्वाइन कर सकते हैं बाय डूइंग बी इन मेराइन इंजीनिय इंजीनियरिंग इसके अलावा जो है आप ग्रेजुएशन के बाद एलएलबी भी कर सकते हैं लॉ में भी आपको एक अच्छा स्कोप मिल सकता है नेक्स्ट टू इट मेडिकल की बात करते हैं तो मेडिकल के लिए एम बी जो कि बैचलर्स ऑफ डेंटल सर्जरी है बी आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री में भी मेडिकल वालों के लिए अच्छे स्कोप्स मिल जाएंगे इसके अलावा फोर्सेज में कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज सीडीएस के लिए भी गर्ल्स भी जो हैं वो अप्लाई कर सकती हैं और बॉयज़ भी मेडिकल एंड नॉन मेडिकल बोथ मेडिकल वालों के लिए ओ जो है वो बेस्ट ऑप्शन है सी में इसके अलावा नर्सिंग एंड टीचिंग भी ऑप्शंस आपके पास आ जाते हैं आप ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स करके नेट क्वालिफाई करके भी प्रोफेसर की जॉब ले सकते हैं इसके अलावा टीजीटी, पीजीटी लेक्चरर्स के लिए भी आप आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन अप्लाई कर सकते हैं नेक्स्ट स्ट्रीम हमारे पास है आर्ट्स तो आर्ट्स में भी अच्छे स्कोप्स मिल जाते हैं आर्ट्स में स्पेशली यू एचएस एच ए एस सर्विसेज एंड एच पी एलाइड सर्विसेज जो हैं वो बेस्ट रहती हैं आफ्टर ग्रेजुएशन आप इन सर्विसेज के लिए इन टेस्ट के लिए तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी होती है और इसके साथ टीचिंग का ऑप्शन तो आर्ट्स के लिए हमेशा ही है सो आर्ट्स इज़ आल्सो अनदर ऑप्शन ये आपके डिसीजन पे डिपेंड करेगा कि आपका इंटरेस्ट जो है वो कौन से सब्जेक्ट में है नेक्स्ट हमारे पास है कॉमर्स कॉमर्स में आपको बैंकिंग जॉब्स का बेनिफिट मिल जाता है बिकॉज़ आजकल वैकेंसीज़ जो हैं बैंकिंग के लिए काफ़ी फिल की जा रही हैं जैसे कि पीओ एंड क्लरिकल डिपार्टमेंट्स में इसके अलावा आप अकाउंटिंग में एक अच्छा कैरियर बना सकते हैं एज़ अ चार्टर्ड अकाउंटिंग इट विल आल्सो हेल्प यू एंड यू एंड एच सर्विसेज के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं आप एलएलबी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन सो दीज आर करियर ऑप्शंस फॉर कॉमर्स स्टूडेंट सो आई होप कि आप सबके डाउट्स क्लियर हुए होंगे और आपने अपनी जो स्ट्रीम है वो चूज़ कर ली होगी अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट सो स्टूडेंट्स जो भी आप स्ट्रीम चूज़ करें बहुत सोच समझ कर चूज करें बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप फॉर योर अपकमिंग करियर आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू सो मच थैंक यू